अरे बेटा जी, पैसे नहीं दिए आपने। अरे भैया, मैंने आपको पैसे दिए तो? नहीं नहीं, मुझे अच्छे से याद है, आपने अभी तक कोई पैसे नहीं दिए। 70 रुपए हुए आपके। अरे भैया, जब आप सामान पैक कर रहे थे ना, तो मैंने आपको 100 रुपीज का नोट दिया था, और ये आपने 30 रुपीज दिए थे मुझे वापस। देखो, मुझे अच्छे से याद है, आपने अभी तक कोई पैसे नहीं दिए, मैं क्यों झूठ बोलूंगा। तन्वी, हो सकता है ना कि तू पैसे देना भूल गई हो, और मैंने भी तुझे पैसे देते हुए तो नहीं देखा। यार, तू कब से फोन चला रही है, तुझे कैसे पता कि मैंने पैसे दिए ही नहीं? मैं पहले ही पैसे दे चुकी हूँ उनको। पर बेटा, अरे भैया, आपकी याददाश्त कमजोर हो गई है, जाके डॉक्टर को दिखाओ। चल। देखा पूजा, कैसे मैंने 70 रुपए बचाए। यार तूने झूठ बोला, ये तो गलत बात है ना तन्वी। अरे यार तू छोड़ ना, ये ले फ्री की मूंगफली खा। ये लीजिए बेटा, 120 रुपए हो गए। 120? इतना महंगा? बेटा सामान भी तो इतना सारा है। नहीं भैया, ये चने तो मैंने बोले नहीं थे, और ये 2 पैकेट मूंगफली भी हटा दो। ये लो, 80 रुपए हो गए। हाँ। तन्वी, तूने अंकल की दुकान से चोरी की। तुझे पता है ना कि चोरी करना कितनी गलत बात है? यार मैं चोरी थोड़ी कर रही थी, तो मस्ती कर रही थी। मस्ती? अंकल की दुकान से चोरी करना तुझे मस्ती मजाक लगता है? यार तू इतना ओवर रिएक्ट क्यों कर रही है? तुझसे अच्छी तो वो प्रिया है, पता कितना चिल्ले वो। हम बहुत बार ऐसा करते ही रहते हैं, किसी भी दुकान में जाके ना चोरी करके कुछ भी खा लेते। तन्वी यार सुन, तुझे भी थोड़ा चिल करना चाहिए, ठीक है? और चल, ट्यूशन के लिए लेट हो रहे हैं। भैया प्लीज मेरी हेल्प कीजिए। भैया प्लीज। क्या हुआ बेटा, तुम इतनी परेशान क्यों? भैया वो ना, मेरी फ्रेंड के पेट में बहुत दर्द हो रहा है, और मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं, वो चल भी नहीं पा रही है। भैया बेटा बेटा घबराओ मत, मैं ऑटो रोकता हूँ, उसको डॉक्टर के पास ले चलेंगे। हाँ भैया, आप ऑटो रोकिए, मैं जब तक ये दुकान देख लेती। तन्वी, कि तूने क्या किया? हाँ मैंने सब देख लिया है। अरे यार, वो ट्यूशन में ना सबको कॉफी की पार्टी देनी थी, और मेरे पास पैसे भी नहीं थे, सो पागल हो गई है क्या? यार पहले ना तू छोटी मोटी चोरियां करा करती थी, लेकिन अब तो पैसे भी चुराने लगी है, तुझे ना शर्म आनी चाहिए। अबे ओ चुप, अपना ज्ञान ना अपने पास रख, ठीक है? ऐसा क्या गलत कर दिया मैंने? ये लोग इतना कमाते हैं, मैंने थोड़े बहुत पैसे निकाल लिए बस। क्या हुआ तन्वी, तू इतनी परेशान क्यों है? यार पूजा, मेरा फोन नहीं मिल रहा। यार इतनी जिद करने के बाद मम्मी पापा ने मुझे मेरे बर्थडे पे दिलवाया था, पानी कहाँ चला गया? मैं घर पे क्या बोलूंगी यार, मुझे बहुत डर लग रहा है। अरे तो इतना घबरा क्यों रही है, यहीं कहीं होगा ना। यार तुझे नहीं पता, अगर मम्मी पापा को पता चला तो मुझे बहुत डांटेंगे, घर पे क्या बोलूंगी, इतना महंगा फोन था। क्या पता तेरा फोन चोरी हो गया हो। यार मेरा फोन कोई क्यों चोरी करेगा, मुझे बहुत डर लग रहा है यार, मैं घर पे क्या बोलूंगी। लेकिन उससे तुझे क्या फर्क पड़ता है, तेरे पेरेंट्स तुझे नया फोन दिला देंगे, वो तो अच्छा कमाते हैं ना। यार यार ये सब क्या बोल रही है तू, इतनी मेहनत से कमाई करते हैं वो लोग। अच्छा, आज तेरा फोन खो गया तो तुझे फर्क पड़ रहा है, लेकिन उन छोटे छोटे दुकान वालों का क्या? क्या मतलब? तन्वी, तूने कभी सोचा है कि हम कितनी आसानी से कह देते हैं कि छोटी छोटी दुकानों से चीजें चुराने में क्या हर्ज है, लेकिन उससे उन्हें कितना नुकसान होता है, क्या वो मेहनत से नहीं कमाते? यार पूजा तू सही कह रही है, मैंने तो कभी ऐसे सोचा ही नहीं।
यार, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। I'm sorry। नहीं तन्वी, सॉरी मुझे मत बोल, तुम दुकान वालों को बोल जिनके यहाँ तूने चोरी की। हाँ यार, मैं उन सबके पैसे लौटा दूंगी। भगवान ने शायद मुझे सबक सिखाने के लिए ये किया हो। भगवान ने नहीं, मैंने सबक सिखाने के लिए तेरे साथ ऐसा किया। क्या? तेरे पास मेरा फोन था? हाँ, ताकि तुझे अपनी गलती का एहसास हो। थैंक यू यार मुझे समझाने के। अब घर चलें। अगर आप अपनी लाइफ में किसी भी तरह की प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं और उसको आप किसी के साथ शेयर करना चाहते हैं, तो हमने एक वेबसाइट बनाई है जिसका नाम है nijo.plus। इसका फेसबुक ग्रुप चैट के लिए अवेलेबल है और कॉलिंग के लिए आप हमारी वेबसाइट पे आ सकते हैं, जिसका डिस्क्रिप्शन और डिटेल्स हमने अपने कॉमेंट सेक्शन में डाला है। तो नाम है nijo.plus।